अगला जो वीक अपना आ रहा है, आप वहां पर शेयर मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? अगर हालात ऐसे ही रहते हैं जियोपॉलिटिकल, तो मार्केट्स फर्दर फॉल करने में रेजिलिएंट है थोड़ी। फॉर ऑल द व्यूअर्स जो हमारे वॉच लिस्ट में कुछ चीजें डालना चाहते हैं, क्या ये सही टाइम है उन लोगों के लिए? सो गुड शेयर्स इन बैड न्यूज, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। गवर्नमेंट बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसके जो शेयर रिलेटेड रहते हैं, वो उसमें किसमें लॉन्ग टर्म के लिए या रिटर्न्स किसमें ज्यादा रहते हैं? अच्छा, अब बात आ गई प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कुछ इतने के फ्रॉड निकले, इतने के उनका पैसा बेचारों का डूब गया कि उसके कारण उनकी बैलेंस शीट्स खराब हो गई थी। तो उस हिसाब से जिसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्वेस्ट करे। सर, वो टॉप 5 शेयर्स आप कौन से या टॉप 10 शेयर्स आप कौन से अपन डिस्कस करते हैं जो अगले वीक में राइजिंग स्टार रहेंगे? उसी हिसाब से इस वीक के लिए भी अगर हम कोई डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जो मेरे को शेयर्स अच्छे लग रहे हैं उनमें एक तो है मैम ज़ोमैटो, और दूसरा जो मार्केट का दिग्गज है TCS, HDFC बैंक, लेमन ट्री। एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन कर रहा है, इसके चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट्स, ये भी मेरी पसंद है। इन्फोसिस ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट करी जाए शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपके हिसाब से किसमें हम लोगों को रिटर्न एक अच्छी तरीके से मिल सकता है? देखिए मैम, जो रिटर्न जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 साल का, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट ने दी है, इक्विटीज़ ने। लेकिन अगर जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो बेयर मिनिमम कितनी इक्विटी के साथ हम शेयर मार्केट के अंदर स्टेप इन कर सकते हैं? अगर किसी ने शेयर में ट्रेड करना है तो वो 1 रुपये से भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि मिनिमम लॉट एक शेयर का है, और बहुत से शेयर ऐसे हैं जो 1-1 रुपये में मिलते हैं या उससे कम पैसों में भी मिलते हैं। शेयर मार्केट में वो पैसा लगाना चाहिए जो आपके लिए स्पेयर हो। आपको ये नहीं कि हाँ आपको मतलब अपनी कैपेसिटी से ओवर लगा दिया, बाद में बंदे को पैनिक होकर बेचना पड़ेगी। सत श्री अकाल, वेलकम टू द सिटी हेडलाइंस। आप सबका हमारी शेयर मार्केट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से रही पिछले हफ्ते की मार्केट, कैसे चलेंगे शेयर्स अपनी चाल, क्या रह रहा है ट्रेंड, कैसे चलेगा इसका शेयर मार्केट का पूरा ट्रेंड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आज हमारे साथ फिर आए हैं राकेश जी जो हमारे शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा पिछला हफ्ता। सत श्री अकाल सर, की हाल है सर? ठीक है जी, आई एम गुड। सर, कैसा रहा, आप कैसे देखते हैं जो लास्ट वीक अपना गया, किस तरीके से शेयर्स ने परफॉर्म किया, क्या चाल चली शेयर्स ने, तो उस पर कुछ हाईलाइट दीजिए सर। देखिए, पिछला पूरे का पूरा वीक जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है ना, उसके कारण सारे का सारा वीक बहुत ही वॉलेटाइल रहा। एंड पर्टिकुलरली यू माइट हैव सीन के वो इजराइल का और जो हमास का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो बीच में खबरें आई कि ये एस्केलेट हो रही है वॉर, तो उस कारण दोबारा से मार्केट फिर डिप होगी। और ओवरऑल पूरे वीक में जो बेंचमार्क इंडिसेज हैं, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो बैंक निफ्टी है, एंड इंटरनेशनल इंडिसेज ऑल्सो लाइक डाउ जोन्स, नैस्डैक, सारे के सारे माइनस में रहे हैं। और जब तक ये मैम सेटल डाउन नहीं होता ना कुछ सीन, तब तक हम नहीं इसको सोच सकते कि हाँ मार्केट्स इम्प्रूव होंगी। हाँ, एक बार ये क्लैरिटी हो जाए मार्केट को कि ये फर्दर एस्केलेट नहीं होगा, इतना तो हम डाइजेस्ट कर चुके हैं जितना हो चुका। अगर हम ये मार्केट को श्योरिटी हो जाए कि फर्दर एस्केलेट नहीं होगा, तो उस केस में मार्केट से फिर से अपवर्ड जर्नी अपनी शुरू करेंगे, लेकिन तब तक ऐसे मार्केट्स वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। तो सर दैट मीन्स जो मार्केट अब नेगेटिव रही है, आप कह रहे हैं कि अगर ये जो पॉलिटिकल इशू और ये जो सारा पूरा सिनेरियो चल रहा है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो आने वाला वीक भी नेगेटिव ही दिखेगा। सो सर, इज इट अ गुड टाइम फॉर ऑल द व्यूअर्स जो हमारे वॉच लिस्ट में कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं, क्या ये सही टाइम है उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर मार्केट फॉल करती है तो स्टेप इन करने का क्या सही मौका है? यस ऑफ कोर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया टाइम होते हैं, जो ऐसे टाइम रहते हैं जब बैड न्यूज़ होती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेट बोला था कि ऑलवेज यू गेट गुड प्राइस व्हेन देयर आर मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड देयर आर बैड न्यूज़, देन इन्वेस्ट इन टू गुड शेयर्स। सो गुड शेयर्स इन बैड न्यूज़, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। तो इसी कारण जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया, हमने इन्फोसिस डिस्कस किया, हमने HDFC बैंक डिस्कस किया, हमने टाटा मोटर डिस्कस किया, लेमन ट्री डिस्कस किया, कुछ ऐसे हमने शेयर्स लास्ट वीक डिस्कस किए थे। तो उनमें आप ये देखिए अगर बेंचमार्क गिरा है तो उनमें भी फॉल आई है और वो स्वाभाविक है। बट जो ये टाइम है, ये सारे के सारे शेयर्स वो अच्छे ही हैं, उनको ग्रेजुअली आप जैसे कहते हैं ना टुकड़ों में खरीदिए, तो इन पार्ट्स उनको लेते जाइए। जैसे 20% 25% खरीद लिया, 20-25% अब फर्दर गिरा है तो फिर खरीदिए, इस तरह से करके इनको रखिए ओवर ए लॉन्गर पीरियड से। जब ये जो बादल हैं ये तो छट जाएंगे, वर्ल्ड वार की सिर्फ भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वर्ल्ड वार वाला कोई सीन होगा। और अगर ऐसा सीन कोई नहीं होता तो उसके बाद ये इतने अच्छे से जंप करेंगे, इतनी अच्छी रिटर्न देंगे कि आप लोग सोचोगे फिर अब बंदा मिस करता है कि यार उस वक्त क्यों नहीं लिया। सो इट इज़ बेटर टू गो इन टू गुड शेयर्स, जो हमने लास्ट वीक रिकमेंड किए, उससे पिछले हफ्ते रिकमेंड किए, एंड जो इस वीक भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसके उनके बारे में आप लोग धीरे धीरे उनमें इन्वेस्टमेंट करिए, हम खुद भी कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि सर ने कहा, राकेश जी ने कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर अंदर वो सारे शेयर्स डाल सकते हैं और उनको ले सकते हैं और पार्शियल स्टेप्स में उनको लेकर अपने पोर्टफोलियो को बड़ा बना सकते हैं धीरे धीरे करके। सर फिर भी जैसे आपने बताया, तो आपको मेजरली लगता है कि जो फॉल हुआ है, जो शेयर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे लाइक HDFC, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, लेमन ट्री, इन सब में हमने थोड़ा थोड़ा उनमें अंदर कुछ परसेंटेज में फॉल देखा है, तो इसका रीज़न आपको पॉलिटिकल ही ज़्यादातर लग रहा है? जी, जो जियोपॉलिटिकल है, ये मतलब अनसर्टेनिटी बनी हुई है वर्ल्ड वाइड, इस कारण ये हालात बने, इन्हीं कारण ये फॉल आई है। और इसके बाद जब रिटर्न्स आने हैं मैग्निफिसेंट आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब 2020 में व्हेन कोविड स्टार्टेड, ऑन द डे व्हेन द मार्केट हैड टच्ड निफ्टी, जिस दिन 7550 टच हुआ है, उस दिन शायद वो 24 मार्च था मेरा ख्याल, जिस दिन लॉकडाउन हुआ है वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में भी उस दिन जो सारे के सारे लॉकडाउन हो गया था। तो उस दिन हमने टाटा मोटर मैंने खुद ने 66 रुपीज़ पे ख़रीदा था और आज देखिए वो 10 गुना बढ़ चुका है। मतलब हमने ख़रीदा, हमने होल्ड रखा, आज तक होल्ड है हमारे पास। इसी तरह से जिन जिन शेयर्स में भी हमने तब इन्वेस्टमेंट करी, शेयर्स गुड थे बट टाइम बैड था, न्यूज़ बैड थी, तब लग रहा था कि सारा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल हो जाएगा, उस तरह की ना कुछ होता है ना कुछ हुआ है। बहुत सी खबरें आई हैं ऐसी, मेरे पिछले 40 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें देखी हैं, जब लगा कि नहीं वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो जो टाइम होते हैं प्रैक्टिकली, अब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये गेन किया है कि वो टाइम जो है वो लेने के टाइम होते हैं, वो डर के बेचने के टाइम नहीं होते। हाँ, बट उसमें आपको 2-3 चीज़ें ख्याल में रखनी है। एक तो हमने ओवर लीवरेज नहीं करना, मतलब ये नहीं कि हमने फ्यूचर में इतनी बड़ी पोजीशन खड़ी कर ली कि कल को उसके डिफरेंस ही ना दे सकें। और सेकेंडली, उसको हमने टुकड़ों में लेना है, जब ऐसे अनसर्टेन माहौल होते हैं तो टुकड़ों में उनको लेना है। और तीसरी बात यह है कि आप पैनिक मत होइए खबरें सुन के कि ये हो गया वो हो गया। अगर मार्केट फॉल कर गई थोड़ी बहुत तो उसके पैनिक हो गया, उसको बेचिए मत, लॉस मत बुक कीजिए, उनको होल्ड करिए और देखिए आने वाले टाइम में अच्छे शेयर अच्छी ही रिटर्न देंगे। वेल, मार्केट जितने भी हमारे कह सकते हैं रिस्क लेना कहेंगे, मोर प्रॉफिट मोर लॉस, लेकिन सेंसिबल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आपको शेयर मार्केट के अंदर स्टेप इन करना चाहिए। सर, जो हमारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को कैसे पता लगेगा कि मार्केट अब इस समय बढ़ेगी या मार्केट इस समय बुलिश होएगी या बेरिश होएगी, विच मीन्स इट विल गो अप साइड और इट विल हैव अ डाउन साइड? क्या इसकी भी कोई अपने पास कोई टिप्स होती हैं ये जानने के लिए कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा नेक्स्ट वीक? देखिए मैम, ये जो बातें हैं ना, ये तो नो वन कैन प्रोडिक्ट द मार्केट, ये तो बी श्योर। हाँ, गैस लगा सकते हैं, वो गैस भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जैसे हम लोग टेक्निकल्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। कि जैसे वो बोलते हैं ना, अंधेरे में एक टॉर्च वाला काम है कि आप थोड़ा रास्ता आपको नज़र आ जाता है कि हाँ यहाँ तक नज़र आ रहा है। उसी तरह से जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो चार्ट्स देखते हैं या जो फंडामेंटल्स देखते हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि हाँ मार्केट अब किधर को मूव करने वाली। बट फॉर ए न्यू इन्वेस्टर जो टोटली न्यू टू द मार्केट है, जिसको कुछ बेचारे को पता ही नहीं है, उसके लिए ये गेस करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए बेटर है कि किसी भी रिलायबल चैनल, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जैसे आपका ये चैनल है, उसके ऊपर जो लोग भी आते हैं, जो रिलायबल चैनल है ना, वो रिलायबल एनालिस्ट को ही आगे लाते हैं अपने चैनल के ऊपर और उनकी बात सुनिए, उनसे थोड़ा बहुत क्लू लीजिए और उसके बाद उनके ऊपर अमल करिए। सर जस्ट टू एड ऑन टू दिस कि अगला जो वीक अपना आ रहा है, आप वहाँ पर शेयर मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करते, कैसे फोकास्ट करते कि ये पॉजिटिव रहेगी कि ये नेगेटिव रहेगी? ये प्रेडिक्ट करना या ये एनालाइज करना डिफ़िकल्ट है, बट जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमें जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि मार्केट जो हैं, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं जियोपॉलिटिकल, तो मार्केट्स फर्दर फॉल करने में रिजिलियंट हैं थोड़ी मतलब गिर सकती हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं गिर सकती, बट उतनी भयंकर ढंग से नहीं गिरने वाली हैं अगर जो जियोपॉलिटिकल हालात ख़राब नहीं होते हैं। यहीं पे मतलब कंसोलिडेट होती जाएंगी, जैसे पिछले एक वीक में 1% के करीब मेरा ख्याल निफ्टी में फॉल आया और बैंक निफ्टी में शायद 2-2.5% के करीब आया फॉल। तो मतलब इस तरह की इतनी फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हालात थोड़े वर्स होते हैं और ज़्यादा वर्स नहीं होते, बट अगर हालात यहाँ तक रहते हैं या थोड़े बहुत इम्प्रूव होते हैं तो ये मार्केट्स रैली करेंगी। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मार्केट में कोई भयंकर वीकनेस नहीं है आज की डेट में। सर एक मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने के लिए कि गवर्नमेंट बैंक्स और जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसके जो शेयर रिलेटेड रहते हैं वो उसमें किस में लॉन्ग टर्म के लिए या रिटर्न्स किस में ज़्यादा रहते हैं? इज इट अबाउट गवर्नमेंट शेयर्स और अ प्राइवेट लाइक HDFC वर्सेस PNB? किस में इन्वेस्टमेंट करना इज मोर बेटर फॉर अ लॉन्ग टर्म और मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म? ये देखिए बैंक जो हैं, अगर हम इंडियन इकॉनमी के ऊपर बुलिश हैं तो दैट मीन्स हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे भी बुलिश हैं, क्योंकि कोई भी इकॉनमी बैंक्स के बिना नहीं सर्वाइव करती। जो भी कैपेक्स होना है, जो भी एक्सपेंशन होनी है, वो फाइनेंसिंग तो बैंक्स नहीं करनी है। अच्छा, अब बात आ गई प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कुछ इतने के फ्रॉड निकले, इतने के उनका पैसा बेचारों का डूब गया कि उसके कारण उनकी बैलेंस शीट्स ख़राब हो गई थी। बट इन अ फ्यू ईयर्स, पिछले 2-3 सालों में उन्होंने वो सारे के सारे अपने लॉसेज राइट ऑफ किए, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो दोबारा से ट्रैक पे आ रहे हैं। अब बात रहेगी कि किस में ज़्यादा रिटर्न आने की, अच्छी रिटर्न आने की उम्मीद है। जो HDFC बैंक है वो एक, जैसे आप बोलिए कि वो एक लार्ज कैप है, तो जो लार्ज कैप है ना मैम, वो ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड से टूटते हैं। बट जो PNB है, PNB आज की डेट में अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से, जो पी रेशो HDFC बैंक की है उसके हिसाब से इसकी काफ़ी कम है PNB की। तो PNB वर्ग जैसे जो शेयर हैं, जो PSU बैंक्स हैं, उनकी सभी की अभी जो बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट रेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इनमें अगर मार्केट्स कुछ ठीक होती हैं तो यू विल सी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेटर रिटर्न आपको PSU बैंक्स देंगे। बट ऑन द कंट्रेरी, अगर मार्केट्स कुछ ख़राब होती हैं, सपोज करो एस्केलेट हो जाती है वॉर और कंट्रीज कूद पड़ते हैं इसमें, तो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो ख़राब हो जाता है, तो उस केस में जो ये बड़े बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लार्ज कैप्स हैं, ये कम टूटेंगे बट PSU बैंक ज़्यादा टूटेंगे। तो इसलिए ये रिस्क रिवॉर्ड है, इनमें रिस्क भी ज़्यादा है PSU बैंक में और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जिसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। PNB भी अच्छा है अगर मार्केट, इंडियन मार्केट को ग्रो करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, एंड HDFC बैंक भी अच्छा है। तो ये सारा सीन है अपना रिवॉर्ड का और रिस्क का। अब चलते हैं उस सेगमेंट में जहां हमारे व्यूअर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, टॉप 5 डिस्कसिंग शेयर्स जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर वो टॉप 5 शेयर्स आप कौन से, या टॉप 10 शेयर्स आप कौन से अपन डिस्कस करते हैं जो अगले वीक में राइजिंग स्टार रहेंगे? देखिए जैसे लास्ट वीक भी हमने जो डिस्कस किए वो शेयर्स इस वीक में नहीं चले क्योंकि मार्केट ही वीक थी। तो ये तो अगर मार्केट्स वीक हैं तो वो शेयर्स भी नहीं वर्क करेंगे। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको इस गिरी हुई मार्केट में आपको इन पार्ट्स में लेना चाहिए और वो इन पार्ट्स में अकोमुलेट करके आप देखेंगे आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न देंगे। उसी हिसाब से इस वीक के लिए भी अगर हम कोई डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जो मेरे को शेयर्स अच्छे लग रहे हैं उनमें एक तो है मैम ज़ोमैटो। ज़ोमैटो का जो शेयर है वो अब अपना चार्ट्स के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अगर हम इसको वैसे भी इनके बैलेंस शीट्स वगैरह को देखें तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में आ गया ये वाला स्टार्टअप। तो ज़ोमैटो मेरे को अच्छा लग रहा है। वही बात है, अगर मार्केट गिरती है तो उस केस में ये भी गिरेंगे, बट एट दैट टाइम आपने पैनिक होके सेल नहीं करना, बल्कि जैसे जैसे नीचे है इनको एक छोटे छोटे लॉट्स में आप ले सकते हैं, क्वांटिटी में ले सकते हैं, और जब ये मार्केट चलेगी तो ये बहुत बढ़िया चलेंगे। और दूसरा जो मार्केट का दिग्गज है TCS, उसमें बायबैक अनाउंस हुआ है पीछे, तो TCS भी मेरे को अच्छा लग रहा है इस वीक में। अगर मार्केट चलेगी तो वो चलेगा, बट दैट इज़ लार्ज कैप, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, और अगर मार्केट गिरेगी तो वो बहुत कम गिरेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा TCS, जो मैं फोर्सी करता हूँ। HDFC बैंक अभी हमने डिस्कस किया, HDFC बैंक को भी, HDFC बैंक का भी सेम पोजीशन है। HDFC बैंक की जब रिज़ल्ट आए उसके बाद इसमें फॉल आ चुकी है, फॉल के बाद अब ये रिजिलियंट, अब ये नीचे फर्दर नहीं टूट रहा। इतनी बुरी खबरें भी आई हैं तो भी उतना नहीं टूट रहा। पिछले सारे हफ्ते में जिस रेट के ऊपर हमने डिस्कस किया था मंडे को लास्ट, और इन द मीन उससे ऊपर भी ये गया है, हाँ ठीक है, क्लोजिंग टाइम के ऊपर फ्राइडे को ये उससे नीचे बंद हुआ है, बट कोई ख़ास नहीं। मतलब 1500 वाला शेयर अगर 7-8 रुपये नीचे बंद भी हो गया तो उसमें कोई दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। और ड्यूरिंग द वीक जो उससे ऊपर भी गया है, जिस भाव के ऊपर हमने तब डिस्कस किया था। लेमन ट्री, एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन कर रहा है, इसके चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट्स, ये भी मेरी पसंद है। इन्फोसिस ऑल्सो, ये भी इसके भी रिज़ल्ट आए, ये टूट गया था, टूटने के बाद अब ये दोबारा कंसोलिडेट हो गए, इसके चार्ट्स में ये दोबारा से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ये भी रिजिलियंट है टूटने के लिए, मतलब ज़्यादा टूटता नहीं है, बट अगर मार्केट सीख होती हैं तो मेरे को इसकी भी उम्मीद है कि ये अच्छे से चलेगा। तो मोटा मोटी ये 5 शेयर हैं जिनके ऊपर मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। जहां तक बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो सर प्लीज गाइड करिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट या किस में अपना पैसे को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करी जाए शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपके हिसाब से किस में हम लोगों को रिटर्न एक अच्छी तरीके से मिल सकता है और सस्टेन करके एक अच्छा प्रॉफिट बंदा निकाल के लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में बाहर आ सकता है? देखिए मैम, जो रिटर्न जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 साल का, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न शेयर मार्केट ने दी है, इक्विटीज़ ने। उसके बाद रियल एस्टेट एंड गोल्ड वो आलमोस्ट एक ही लेवल पे रहे हैं, तो क्योंकि मोटा मोटी जो शेयर्स हैं उन्होंने दिए कोई 14-15% की रिटर्न दी है पर एनम की, और गोल्ड एंड रियल स्टेट ने मोटा मोटी 10-11% के आसपास पर एनम की रिटर्न दी है ऑन ए CAGR बेसिस, मींस कंपाउंडेड जो एनुअल रिटर्न है। तो अब लेकिन शेयर मार्केट में अगर रिटर्न ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है, एंड जो गोल्ड है और जो रियल स्टेट है और शेयर मार्केट, इन तीनों में ना एक बेसिक डिफरेंस ये है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है रियल एस्टेट। उसमें अगर किसी के पास, किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको हेफ्टी अमाउंट चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह आज की डेट में अगर कोई प्रॉपर्टीज के प्राइसेस काफ़ी हाइप कर रहे हैं, वो मतलब लाखों करोड़ों से कम नहीं है जी। तो ये हर आम बंदे के बस की बात नहीं है। और दूसरी बात आ गई गोल्ड के ऊपर, सेकेंड इन्वेस्टमेंट जिसमें ज़्यादा होती है, मतलब स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बट रियल एस्टेट से कम, दैट इज़ गोल्ड। अब गोल्ड में भी मैंने अपनी लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुई थी, गोल्ड में भी रिटर्न जो है वो ठीक है, बट गोल्ड में ये है कि वो बंदे को अगर तो फिज़िकल लेता है तो उस वो नज़र आता है, उसको वो टच कर सकता है, वो टेंजिबल चीज़ है। रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो रियल, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें आप रह सकते हो, कर सकते हो, बट उसमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। बट शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी अगर नया इन्वेस्टर शुरू करना चाहे तो वो मतलब कुछ 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकता है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी से 500-1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब रिटर्न जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से शेयर मार्केट में अच्छी रिटर्न रही है, बट शेयर मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा है। जैसे अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क आया, अभी मार्केट टूट गई, ये जो रिस्क है ये गोल्ड में और प्रॉपर्टी में इतने नहीं है। ये वो भी टूटते हैं बट वो इतने नहीं टूटते। और गोल्ड का तो मतलब एक तरह से लोगों के एक पॉजिटिवनेस होती है ना कि हमारे पास गोल्ड है, उस चीज़ का बड़ा हौसला रहता है उनको। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग जल्दी से डर जाते हैं और डर के उसके बाद फटाफट बेच देते हैं। जबकि अच्छे शेयर जो हैं वो गोल्ड से अच्छी रिटर्न देते हैं, रियल स्टेट से भी अच्छी रिटर्न देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि हाँ, ज़्यादातर आपकी होल्डिंग जो है ना, ज़्यादातर आपकी इन्वेस्टमेंट वो इक्विटीज़ में रहनी चाहिए। और ठीक है, गोल्ड में भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कुछ पार्ट ऑफ दैट। हाँ, रियल स्टेट में अगर हो सके तो वो भी बहुत बेहतर है। तो बांट के लगाइए, बट इक्विटीज़ की रिटर्न पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बेस्ट है। एंड वन थिंग मोर, बुरे टाइमों में करी हुई इन्वेस्टमेंट, बैड टाइम्स में, जैसे आज की डेट में हालात ख़राब हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2020 में कोविड के टाइम करी इन्वेस्टमेंट, मेरी टाटा मोटर की इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई पिछले 4 साल के अंदर अंदर, 4 भी नहीं बल्कि कम ही, 3-3.5 साल के अंदर अंदर। तो आप देखिए इतनी मैग्निफिसेंट रिटर्न कौन से जगह पे आती है, कौन से एसेट क्लास में आती है, कहीं नहीं आती है। तो जो बैड टाइम है उनमें अच्छे से दबा के इन्वेस्ट करिए अच्छे शेयर्स में। सर, सबके लिए कैपिटल हर एक का, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग तरीके से कैपिटल इन्वॉल्व रहती है, लेकिन अगर जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो बेयर मिनिमम कितनी इक्विटी के साथ हम शेयर मार्केट के अंदर स्टेप इन कर सकते हैं? शेयर मार्केट में तो मैम अगर किसी ने शेयर में ट्रेड करना है तो वो 1 रुपये से भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि मिनिमम लॉट 1 शेयर का है। और बहुत से शेयर ऐसे हैं जो 1-1 रुपये में मिलते हैं या उससे कम पैसों में भी मिलते हैं, जिनको हम पैनिक स्टॉक कहते हैं। बट द आइडियल थिंग इज दिस के शेयर मार्केट में वो पैसा लगाना चाहिए जो आपके लिए स्पेयर हो फॉर ईयर्स टुगेदर, जिसको आपने इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद आपको ये नहीं कि हाँ आपको मतलब अपनी कैपेसिटी से ओवर लगा दिया, बाद में बंदे को पैनिक होकर बेचना पड़ेगी कि जरूरत आ पड़ी, बाजार टूट गया तो इसलिए बेचना पड़े। वो बंदा कमाएगा जी। जैसे मान लो किसी की सैलरी है, सपोज करो किसी की 20,000 सैलरी है, तो जो 20,000 सैलरी वाला है उसको पहले अपने खर्चे निकालने हैं। खर्चे निकाल के सपोज करो उसका पीछे 1000 रुपया बचता है या 2000 बचता है जो वो बैंक में डालता था, पहले कोई FD कराता था या RD कराता था। हम ये सजेस्ट करेंगे उसको कि इंस्टेंट वो करवाने की बजाय वो एक SIP करवाए, या तो म्यूचुअल फंड में कराए या किसी अच्छे शेयर्स में खुद से वो उनको लेके अपना डीमैट अकाउंट में डाल के छोड़ना शुरू कर दे। 5, 10, 15 सालों बाद वो देखेगा कि जब वो अमाउंट्स इतनी बड़ी बन जाएंगी जो उसने कभी सोची नहीं होंगी। तो आइडियल वे इज दिस कि जो स्पेयर अमाउंट है बंदे की अर्निंग के बाद, वो वाली अमाउंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, ना कि ओवर लीवरेज होके लोन लेके वो काम मत करे। दैट इज द रूल ऑल्सो फॉर द शेयर मार्केट कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसा लो, या जितना आप घाटा सह सकते हो उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए। सर, जैसे आपने अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी आप डिस्कस करके बता सकते हैं कि जो बेटर रहेंगे, कोई अपने विश लिस्ट में डाल सकता है? म्यूचुअल फंड मैम इतने ज़्यादा हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे मेरे हिसाब से इस वक्त अपने इंडिया में, हर एक इंस्टीट्यूट्स के हैं। बट मैं आपको मोटी मोटी जो कैटेगरीज हैं वो बता देता हूँ। जिस भी अगर किसी की एज सपोज करो आज की डेट में 20 to 30 है, फ्रॉम 20 years to between 30 years, और वो आज की डेट में म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहता है, तो उसको स्मॉल कैप एंड मिड कैप में पैसा डालना चाहिए, लार्ज कैप में नहीं। क्योंकि उसको और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये मान के चले कि मेरे को 50 साल में की एज में जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, या मेरे को 40 साल की एज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको जो है जैसे 15-20 साल के लिए उसने मनी को इन्वेस्ट करना है, तो ही और शी शुड इन्वेस्ट इनटू स्मॉल एंड मिड कैप्स, क्योंकि ये लंबे टाइम में अच्छी रिटर्न दे के जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। और दूसरी कैटेगरी आ जाती है उसके बाद, जैसे आपके कोई गोल ओरिएंटेड है, जैसे किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है या कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, तो जब उसको पैसा चाहिए बेटी की शादी के लिए या कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उस केस में अगर वो टोटल उसका टाइम स्फीयर सपोज करो 15 साल का, 25 साल की एज में उसने स्टार्टिंग करी है सिप की और उसको 45 साल की एज में जाके वो पैसा चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उस केस में उसको अभी तो डालना चाहिए मिड एंड स्मॉल कैप में। और जब वो पीरियड पास है, जब उसको 2-3 साल रह जाए उस टाइम को, जब उसकी 42-43 साल की एज हो जाए, उस वक्त उस अमाउंट को वो शिफ्ट कर दे लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो उसमें क्या है कि उस केस में अच्छी रिटर्न आ जाएगी इतने साल, और उसके बाद जो उस वक्त सपोज करो मार्केट में कोई टर्मोइल भी आ जाता है 2-3 साल के अंदर अंदर, तो उस केस में जो लार्ज कैप शेयर्स हैं वो ना तो इतने गिरते हैं, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, ना वो इतने बढ़ते हैं। तो उस केस में उसका जो मोटिव है वो फुलफिल भी हो जाएगा और उसको जो रिटर्न है चाहे कम आ जाएगी बट उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगी। ये उस तरह की होगी। और तीसरी बात होगी जो लोग उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो 50-60 में जाके अब स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो उनको जो है वो सपोज करो किसी की एज 50-60 साल की है, उसको ये चाहिए कि हाँ मेरे को तो 5 साल के लिए या 7 साल के लिए चाहिए, तो उनको या तो फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है उनमें, और या फिर उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो हैं वो वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क भी कम है। ठीक है, रिटर्न कम आएंगी बट दोज विल बी स्टिल बेटर देन बैंक्स। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इस तरीके से अगर हमारे व्यूअर्स को छोटी छोटी टिप्स और सजेशंस देने के लिए कि उनको म्यूचुअल फंड्स में कौन से फंड्स लेने चाहिए या किस तरीके से शेयर्स में कौन से शेयर्स लेकर अपनी बकेट लिस्ट में डाल लेने चाहिए, जिससे कि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके बड़ी रिटर्न्स का एक प्लान बना सकते हैं। राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करी हुई चीज़ आपके फ्यूचर के लिए हमेशा ही लाभदायक रहती है। सिटी हेडलाइंस की हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपको सटीक खबरें देते रहे, लेकिन ये जो हमारी शेयर मार्केट की सीरीज है इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे राकेश जी के साथ और आपके लिए लेकर आएंगे एक अगली लिस्ट जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिटी हेडलाइंस।